सो मधानिया के जरिए असं सर नूं वड्डे पर्दे ते एक बार फिर देखांगे। 45 साल के करियर दे विच कोई अजिहा कैरेक्टर नहीं जिहड़ा सर ने ना प्ले किया होवे। सो मधानिया दे विच किस तरह का किरदार प्ले कर रहे? एक ऐसे फादर का रोल है और जी दे विच मेरा ना बाजवा बेटा बनया होया है, नीरू बाजवा बनी हुई है। सो ये बेसिकली ये बहुत सारी ये जिहड़ी फिल्म है ना अपने आप च एक डिफरेंट है। एक रिश्तों की कहानी है, प्यार की कहानी है, विवाह शादियों का सीजन भी है और बड़े सोहने टाइम पर फिल्म शूट होनी है, रिलीज़ भी बहुत सोहने टाइम पर हो गया। विश साडे जिहड़े डायरेक्टर ने उन्होंने ज़्यादा पता होना बिकॉज असीं तां एक कठपुतलियां होंने अपने उस रंग मंच दियां। सानू जिस तरह साडा डायरेक्टर नचाउंदा है या सानू जिस तरह जो सानू कॉस्ट्यूम पवाउंदा तो उस तरीके दे नाल जो सानू राइटर स्क्रिप्ट दिंदा उस हिसाब नाल असीं उन्हें बोलते। निर्मल ऋषि जी है ना साडे पद्म श्री अवार्डेड, उन्हें इस फिल्म दे विच मेन धागा मेन जिहड़ी डोरी है जिहड़ी मधानिया नूं घुमाउंदी है उही है। साडी बॉलीवुड दी एक बहुत ही महान हस्ती पूनम ढिल्लों जी, उन्हां नाल सानू स्क्रीन शेयरिंग दा एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि असीं एड्डी वड्डी स्टार दे नाल काम कर रहे हैं। इस तों इलावा सर किहड़े कमिंग प्रोजेक्ट्स तुहाडे 2024 दे विच एंडिंग ते असीं देख पावांगे स्पेसिफिकली और अगले साल दे की शेड्यूल ने तुहाडे? सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, मैं थोड़े नाल मनप्रीत खुल्लर, तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी ते वर्सेटाइल परसनैलिटी परमवीर ऋषि सर मेरे नाल हैगे ने। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा टीवी ते। थैंक यू सो मच। सो मधानिया दे जरिए असीं सर नूं वड्डे पर्दे ते एक बार फिर देखांगे। 45 साल दे करियर दे विच कोई अजिहा कैरेक्टर नहीं जिहड़ा सर ने ना प्ले किया होवे। सो मधानिया दे विच किस तरह का किरदार प्ले कर रहे हो? मधानिया दे विच एक मेरा बहुत ही सॉफ्ट कैरेक्टर है, एक ऐसे फादर का रोल है और जी दे विच मेरा ना बाजवा बेटा बनया होया है, नीरू बाजवा बेटी बनी हुई है। सो ये बेसिकली ये बहुत सारी ये जिहड़ी फिल्म है ना अपने आप च एक डिफरेंट है, एक भैन भरा की स्टोरी है, होर भी जिन्ने उस दे विच रिश्ते जुड़े हुए उन्हां सब की एक स्टोरी है। सो पिता दे नाल की उहदे इमोशंस हैगे ने, क्योंकि एक जिहड़ी एडजस्टमेंट है चंडीगढ़ फैमिली की और बठिंडा फैमिली की, वो एक दोनों मतलब ईस्ट और वैसट हैगे है, तो उन्होंने एक कॉम्बो जिहड़ा हैगा वो एक मधानी दे विच पैंदा है ते वो कुछ जे फिर वो मधानी रिड़की जाती है तो वो फिर मक्खन निकलता है। सो मक्खन वैसे ही बड़ा टेस्टी होंदा, अजकल तो वैसे ही सर्दियों का मौसम आ रहा तो वो परौंठे के उत्ते मक्खन खाओ तो नाल पिछों मक्खन खा के वो जो सैकेंड ऑप्शन होंदा कि वो लस्सी भी पी सकते हो तुसी जिहदे नाल आराम नाल तुसी सो सकते हो। क्या बात है। सो रिश्तों की कहानी है, प्यार की कहानी है, विवाह शादियों का सीजन भी है और बड़े सोहने टाइम पर फिल्म शूट होनी है, रिलीज़ भी बहुत सोहने टाइम पर हो गया। विश के अगले साल जी जी हाँ हाँ आई थिंक हुण उहदा दिसंबर दे विच उहदा फस्ट शेड्यूल है, उस तो बाद नैक्सट शेड्यूल उहदा आई थिंक जनवरी फरवरी च है, फिर उहदा मार्च अप्रैल च विच खत्म होके बाकी प्रोडक्शन वाइज एज वैल एज सारी चीज़ां चलदियां रहणगे। बाकी साडे जिहड़े डायरेक्टर ने उन्होंने ज़्यादा पता होना बिकॉज असीं तां इक कठपुतलियां होंने अपने उस रंग मंच दियां, सानू जिस तरह साडा डायरेक्टर नचाउंदा है या सानू जिस तरह जो सानू कॉस्ट्यूम पवाउंदा तो उस तरीके दे नाल जो सानू राइटर स्क्रिप्ट दिंदा उस हिसाब नाल असीं उन्हें बोल दिंदे आ। सो सर इस फिल्म की खासियत यह है भी इस फिल्म दे विच बहुत सारे बंडल ऑफ स्टार्स तो जिदे विच ऐ नहीं असीं कहांगे कि है ना लीड ते कौन है, मैनूं लगदा कि सारे बहुत फेमस चेहरे हैं, सब नूं सब फैमिलियर हैं, कौन किस तरह का किरदार कर रहा है, सारे हाईलाइट होंगे, सब नूं बराबर स्पेस मिलेगी। जितों तक पीसी दे विच सुनिया है, पोस्टर दर्शा रहा है, टाइटल दर्शा रहा है, सो इज़ इट ट्रू? एक्चुअली किरदार मेरे ख्याल ना कोई भी वड्डा या छोटा नहीं हुंदा, उहदे विच बस उहदी गल है कि उहदा किरदार की है ना। कई बार बंदा उहदा किरदार इन्ना अच्छा हुंदा कि वह एक सीन करके चला जाता तो लोग उन्हें इंटायर फिल्म दे विच याद रखते हैं कि यार वो एक सीन किया सी बंदे ने, क्या बात है। सो बहुत इट्स ए मैजिक मोमेंट्स फॉर मी इस फिल्म दे विच काम करना, क्योंकि निर्मल ऋषि जी है ना साडे पद्म श्री अवार्डेड, उन्हें इस फिल्म दे विच मेन धागा मेन जिहड़ी डोरी है जिहड़ी मधानिया नूं घुमाउंदी है उही है। फिर देव भाई हो गए, नीरू हुणी हो गए, अपना नव हुणी हो गए, बहुत सारे करमजीत अनमोल भाजी अज आए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, राज धालीवाल हो गए और बी एन शर्मा जी, सीमा कौशल, रुपिंदर रूपी, मतलब ये सारी इंडस्ट्री इस फिल्म दे विच देखनी है। और मैं नाम नहीं याद आ रहे, मन्नत नूर जी सिंगर है, वह जसमीन अख्तर वह है, दीदार गिल हुणी है, बहुत सारे सारा गुरपाल, हूँ मैं तो आप हले हूँ थोड़े थोड़े याद हो फेसिस जो नव ने है ना विच इनवॉल्व किए। सो बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक्चुअली यू नो इन्ने सारे किरदारा एक साथ लिया कहना उन्हें, सॉरी अबा वॉल मैं फिर भुल गया। देखो जी साड़ी बॉलीवुड की एक बहुत ही महान हस्ती पूनम ढिल्लों जी
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮਧਾਨੀਆਂ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚੁਨੀਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਈਅਰ ਓਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰੇਡੂਆ ਰਿਟਰਨਸ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਨਾ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਦੇ ਰੇਡੂਆ ਰਿਟਰਨਸ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਕਮਿੰਗ ਮੰਥ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2523 ਦੀ ਈਸਵੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ 2500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਿਆ ਰੋਬੋਟਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹੁਣੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਔਰ ਧੀਰਜ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੇਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਲ ਜਾਂ ਮੇਤੋਂ ਆਡੀਅੰਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੋਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਸਰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਅਤੇ ਮਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮੀਡੀਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰੀਲੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਔਰ ਜਬ ਜਾਗੋਗੇ ਤਵੀ ਸਵੇਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਟਾਇਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਇਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਮਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਅਤੇ ਫੋਕਸਵੈਗਨ 18-19 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2024, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕਸ, ਕਿਡਜ਼ ਜ਼ੋਨ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੋਹਫੇ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨੇਲ ਆਰਟ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। Sponsor Zarur Auto Expo 2024, Associate Sponsor Adani Gas, Entertainment Partner Mirchi and Ghana.